जी बड़े और फिर वो ऐसे मास्टर शेफ हो, ये उनको गाइड कर रहे हैं ऐसे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है और आज हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है और आप पीछे देख सकते हैं रिची भाई है और यहाँ देखिए सोनू, मोनू और चाचा, सब पूरी हमारी फैमिली फिर से आ चुकी है। और इस टाइम पे हो रही है बारिश, आज हमारे घर पे है जागर। तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, आज इतनी तेज बारिश हो रही है। तो ये देख सकते हैं गाइस इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। उस साइड फिर से कुछ नहीं दिख रहा और सब यहाँ काम पे लगे हैं। यहाँ हमारे बर्तन रखे हैं, आज हमारे जागर है उसलिए यहाँ से पंचायत से बर्तन आ चुके थे कल ही, तो वो इस साइड रखे हुए हैं। अभी इस टाइम पे बारिश रुक चुकी है और मौसम देख सकते हैं आप कैसा हो रहा है, कोहरा कोहरा टाइप लगा है। वैसे ठीक है, अभी अब तो मुझे लगता नहीं है बारिश होगी, थोड़ी थोड़ी हल्की धूप आ रही है हल्की सी। तो यहाँ पर देखिए सारे अभी नहाना वहाना चल रहा है मोनू भाई का, जो सबसे लेट नहा रहा है क्योंकि लेट आए थे, ये अभी आए थे जस्ट। तो तैयारी शुरू करते हैं, आज जागर है तो उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर काम वाम करते हैं। अभी पापा और वहाँ खड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पापा, चाचा और ताऊ जी वगैरह सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, बातें बातें कर रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारे यहाँ काकड़ आया, मतलब हिरन, हिरन आ रखे है यहाँ पर। ये देखिए दिख रहा है, ओहो दो है। तो गाइस अभी हम खा रहे सूरजमुखी, ये हमारे इसको खाए, इसको क्या बोलते हैं, सूरजमुखी कहते हैं ना वैसे, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, तेल बनता है ऐसे। तो इसका तेल भी बनता है और हम इसे ऐसे खा सकते हैं, इसको तोड़ के मतलब अंदर इसका कुछ होता है वाइट वाइट, तो उसको खाते हैं। तो अभी ये सब यही खा रहे हैं और चाचा और गए हैं वहाँ पर तलछाल बोलने नीचे साइड जागर के लिए आज की। यहाँ पर हो रहा है, हमारे घर पे पार्लर बन चुका है, तो यहाँ पर पार्लर वाले आपको दिखा देती हूँ। मिस चाची, चाची अपना अपना पार्लर स्टार्ट करा है। ये देखिए आईब्रोज बना रही है, यहाँ पर इतने इतने लोग बैठे हैं। नंबर ले लिया आपने, सबने नंबर ले लिया सबने, देखिए पैसे अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। और कैश, कैश कैश नहीं, घी घी, अच्छा ये घी का है यार, यहाँ कैश नहीं चलता। ये देखिए चाची बहुत अच्छा है पार्लर वाले, यहाँ पर चल रहा है लस्सी टाइम, इतनी ठंड में लस्सी। ये आ चुका है, ये नींद में है। ये देखिए चाची ने बनाई है लस्सी, क्या डाला आपने चाची इसमें, हरा नमक ना, पहाड़ी नमक डाल के बंद हो गया। ये देखिए हमारी लस्सी, अब हम इसे पीते हैं। बाबू कैसा हो रहा है, मस्त। इस वाले रूम में हमारे यहाँ पर वो हुआ था, लिपाई हुई थी तो ये पूरा हो रखा, तो इसलिए आज हम इस वाले रूम में नहीं जा रहे। और आज हमारा खाना बन रहा है बाहर, तो ये बाहर चूल्हे में बन रहा है, सारे सामान हमारा बाहर ही रखा है, ये देख सकते हैं। और नीचे चलते हैं, नीचे बच्चे लोग खेल रहे, तो मैं दिखाती हूँ क्या खेल रहे हैं ये लोग आज। चल गॉन, इसको गॉन पे लानी है, आपके ऊपर उल्टी कर, मिल गए। ये देखिए ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे सारे के सारे। आज हमारे रितेश का फेमस होने वाले हो, कहाँ गए, चलो भाई रितेश ढूंढो, पता नहीं यार काम करा रहे हैं, बोले काम देख लो भाभी, यहाँ पर रितेश का रिएक्शन देख सकते हैं। रितेश बेचारा, और रितेश के हाथ भी ठंडे हो गए हैं डर के मारे, डर के आगे जीत है भाई, तुम जीत से आओगे, तुम तो जीत ही रहे हो, दिख ही रहा है। ये आ चुकी है भाभी, रितेश का, रितेश यार रितेश के हाथ ठंडे पड़ रहे हैं यहाँ पर, बोल बोल भाभी हैंड्स अप।
ये रितेश का डेयर था, रितेश बेचारा कितना शर्माया, रितेश को देख के जा रहा और ना सबके हाथ में एक दूसरे के हाथों में पकड़ाना है, मतलब हाँ। जैसे सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ा, तूने भी उनका बीच में बैठ करके हाथ पकड़ा। ये हमारी वो है एडवाइजर जो सबको डेयर्स दे रही है, जब इसकी बारी आएगी गई। अच्छा दीदी रुको, आपकी भाई सुन ले, जैसे अभी सबने हाथ पकड़े, हमारे घर पे डाकू भी आ रहे हैं, बीच में बैठ करके और भी हो रहा है सेंटर का। हाँ तो तू बैठ जाना, कहीं पे भी बैठ जाना, साइड हो साइड बिठा दे। बोल दिया चाची आपका हाथ पकड़ाना फेल हो गया, ये बच्चा तो बोल ही नहीं पा रहा। ओए लाउड बोलना और एक्सप्रेशन कर, प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ हमारा बन चुका है आज का लंच, तो आज लंच में है कड़ी चावल और ये दिए जा रहे हैं बच्चों को, बाबू ने ले लिया यहाँ पर। हाउज इट बाबू, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है रितेश, कैसा हो रहा है मम्मी? चलो खाते हैं सबके सब बैठ के और फिर बात करते हैं आपको। ये है हमारा आज का लंच और सब बच्चे बैठ चुके हैं यहाँ पर, लॉकडाउन भी यहाँ पर बैठा है और गुल्लू को भी अभी देंगे हम। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी सब लोग सब्जी काटने में लगे हैं, मतलब पापा और सारे बच्चे लोग सो रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। मैं बस पानी भरने आई थी और पानी लेके नीचे जा रही हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर जागरण की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे घर पे, उठ चुका है, लॉकडाउन सोया नहीं है, उठ के कहाँ जा रहा है लॉकडाउन, मम्मी पास। तो ये देख सकते हैं ताऊ जी चाचा और पापा लगे हुए सब्जी काटने में। इसमें क्या बन रहा है? अच्छा इसमें छोले बन रहे हैं, सीटी लगाने के रख रखा है। और यहाँ हो गए हमारे जागर आज, तो गाइस अभी हम बना रहे चाय, सब जो बाहर बैठे हैं तो यहाँ पर चाय रखी हुई है हमने, तो चाय बना रहे हैं। बाहर चाचा और काम कर रहे हैं, उनके लिए ही चाय बन रही है, अभी और भी चाचा आएंगे बाद में काम में। तो ये हमारा किचन है, किचन वाला रूम है, तो यहाँ पर चाय बना रहे हैं, उसके बाद शाम के लिए रोटियाँ भी बनानी है, तो उसके लिए भी चाची अभी सोए हुए हैं इस वजह से, तो शाम थोड़ी देर में उठेंगे तब वो काम करेंगे। और गाइस ये हमारी बन चुकी है, सबने लेमन टी के लिए बोला था, इस वजह से हमने ये वाली चाय बनाई है, तो अब सर्व करते हैं, सबको दे देते हैं, थोड़ी थकान की दूर होगी। यहाँ पर सब लग गए हैं काम पे, खाना बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको दिखा। तो ये चाचा और लकड़ियाँ उधर रख रहे हैं और वहाँ चाचा आग जला रहे हैं चूल्हे में, और अभी आलू मतलब छोले बन रहे, शायद से छोले बनने की तैयारी हो रही है, बस टाइम पे इतनी अच्छी धूप आ गई है। पापा ये लेके आए और ये सोनू देखो कितना बड़ा चीज़ लेके आ रही है, ये कवर। चलो चलते हैं और देखते हैं हम और लोग क्या कर रहे हैं, ना चलो गाइस। गाइस ये है हमारा प्लेस जहाँ पर हमारे होंगे जागर, और यहाँ पूरा सेट कर दिया गया, मैट वैट लगा दिया गई है, तो अभी बस तैयारी हो रही है और पीछे खाना बन रहा है, बस वही हो रहा है। और हम यहाँ पर शोनी के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ चाचा भी लगे हुए वीडियो बनाए, और ये देखिए ये बन रही है हमारी कौन सी सब्जी, बोलिए कौन सी सब्जी है, ये घिया आलू, और वहाँ पर बन रहा है
यहाँ बन रहे हमारे छोले, छोले बन रहे इधर। कभी चाचा चाचा के इंटर कॉलेज धुमाकोट में इनकी दुकान हुआ करती थी। अच्छा, कभी मतलब छोले टेस्ट करता था, तक बोला नहीं उनको, भाई साहब की शक्ल को भी नहीं बोला है। संतरे भी तैयार है। कहाँ है संतरे? छोटे छोटे हो रहे। अच्छा, मास्टर चेक, तीन एड कुक और दो असिस्टेंट कुक है यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं कि छोले किस प्रकार से बनाते हैं। अच्छे बनते हैं कि वैसे? ये देखिए चाचा, देखे कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको घुमाने में। असिस्टेंट कुक है ये, मेन कुक यही है चाचा जी बड़े, और फिर वो मास्टर शेफ हो, ये उनको गाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे करना है। चाचा आज कुछ कहना नहीं चाहते आप, रोज की तरह इधर बोलिए, कुछ तो बोलिए। आज क्या बना रहे हो आप स्पेशल? स्पेशल हम बना रहे हैं छोले। और मीठे में भी कुछ आज है? आज भी मीठे में मीठा है क्या? हलवा, हलवा, सूजी। अच्छा, गढ़वाली छोले, गढ़वाली छोले, ये गढ़वाली छोले बनते हैं। बारात में हो चाहे शादी हो चाहे जागर में हो, ये चीजें हमेशा, अगर ये चीजें नहीं बने तो आधा अधूरा लगता है। सही बात है। नहीं तो आएंगे नहीं है, लेकिन आएंगे। सबसे बड़ी पहचानी है कि औरतें जब इसको मारते हैं ना इसको, हाँ, तो जहाँ पे महिला मंगल दल है वहीं तक मारते हैं, बाकी खाला छोड़ देते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं, प्रूफ भी है, यही तो मारते हैं उसके नीचे नहीं वो, क्योंकि दिखना चाहिए ना। ये हमारे छोले, ये देखिए छोले, ये एक और असिस्टेंट, असिस्टेंट बहुत वो रखे हैं, हट्टे कट्टे रखे हैं, जो चेफ है वो टेंशन लेने के चक्कर में वो इधर उधर घूम रहे हैं। और वहाँ पर भी तो एक चाचा बोल रहे असली बर्तन मैन यही है। ये देखिए बर्तन धोने के लिए यहाँ से राख लेते हैं और फिर उससे बर्तन धोते हैं चाचा, है ना? बर्तन धोने के लिए क्या बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम करने की क्या बोलते हैं, अपने दिन में लगन होगी ना, कैसे करके भी धुलाई हो जाएगा, कैसे करके भी काम हो जाएगा। सही बात है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सब लगे हुए हैं काम पे, ये देखिए, ये देखिए, ये चाचा मिर्च लेके आए हैं और मम्मी ऊपर से देख रही है। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, छत से दिखाने के लिए कि सब क्या कर रहे हैं। और वैसे तो सभी लगे हुए हैं काम, अभी खाना बनने में टाइम लगेगा और रोटी बनने में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 बजे तक रोटियाँ बनाएंगे। मतलब अगर घर के है लेकिन गाँव में लेंगे तो ठीक है, लेकिन घर में भी बहुत ही है वैसे। देखिए क्या बताओगे, फ्रंट करो, हमें भी पता चले हम कैसे देख रहे हैं। एकदम अच्छे दिख रहे, बोलो। सब्जी सब्जी बन गई वहाँ, और वहाँ से मुझे लग रहा है आ रहे हैं लोग अभी से जागर के लिए रात के, क्योंकि रात के नीचे से ना तलछाल को बुलाया तो वो आएंगे। अभी हमारी सूजी बन रही है बस, हमारी सूजी बन रही है, बनाएंगे सारी लेडीज आएंगे, आटा गूंथ के रख रखा है, लेडीज आएंगे बनाएंगे। हाँ, 8-9 बजे से खाना शुरू हो जाएगा, फिर 10-10 बजे से जागर शुरू हो जाएंगे। और आज हमारे घर पे ही जागर है। तो अभी चाचा और बना रहे हैं सूजी, ये देखिए, जो खाएगा वो खाएगा, जो नहीं खाएगा वो क्यों पछताएगा? है? जो नहीं खाएगा, खाएगा नहीं, जो खाएगा वो क्यों पछताएगा, मुझे ये बताओ। वो पता लग जाएगा ना उसको कि आहा हा हा, अच्छा आहा तो पछताएगा। चाचा बन गया सब कुछ, ये बन गया क्या? ये छोले हैं, दिखाओ दिखाओ। तो ये हमारे छोले बन चुके हैं यहाँ पर, ओ वाह। और ये क्या? ये इसमें तो पानी है। अच्छा पानी है, अभी पौधों का उड़ानी है निकाली यार। और यहाँ पर बन रहा हलवा, और ये सब्जी, सब्जी बन गई चाचू भाई? ये सब्जी बनने वाली है भाई, सब्जी भी बन गई है। ये देखिए हमारी सब्जी, गरम गरम धुआं निकल गया और सब सेट है, बस अब रोटियां बनने की तैयारी है।
थोड़ी देर में हम रोटियां बनाएंगे और फिर खाने का टाइम होगा 8-9 बजे से और फिर 11-10 बजे से हमारी जागर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते इतना धुआं हो रहा है और यहाँ बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। बहुत धुआं हो गया, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर लग रहा है हमारा टाइम क्योंकि हमारे अब जागर बाहर अंदर नहीं हो रहे, बाहर हो रहे, ज्यादा स्पेस नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग ज्यादा है, इस वजह से बाहर करेंगे, यहाँ पर जागर होंगे। यहाँ पर पूरा लग रहा है और गाइस यहाँ पर शुरू हो चुकी है रोटियां बनाना। एक चूल्हा हमारा इधर लगा है, एक चूल्हा हमारा वहाँ लगा है, तो दो जगह चूल्हा लग गया और यहाँ चाची भाभी चाची चाची लगे हुए हैं, चार जने काम पे। शाबाश मेरी लड़कियों, शाबाश मेरी लड़कियों, काम करो लड़कियों, मेरा बच्चा है तू। तो गाइज हम यहाँ पर सैलेड की तैयारी करते हैं, तो सैलेड के लिए हमें दिए खीरे, हम तो खीरे काट रहे हैं तीनों बहनें मिलके, ये सोनू और मैं, मोनू मैं सोनू तो तीनों लगे हुए हैं, चलो कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो गाइज अभी हमने सैलेड काट लिए है, ये कुछ ज्यादा बोल रही है, इसको ज्यादा खुशी हो रही है, तो हमने सैलेड काट दिया, तो एक बार दिखा दो। तो ये हमने काट के रख, अभी हमने आधे काटे, बाद में आधे काटेंगे जैसे जैसे मतलब नीड होगी उसके लिए। ये हमारा सैलेड है, तो नीड होगी तब हम काटेंगे क्योंकि फिर वेस्ट हो जाते हैं ना, तो इससे अच्छा बाद में हम काट के रखेंगे, तब तक हमने इतने ही काटे हैं। तो बाहर अभी तक इनका टेंट लगा नहीं है, आधा लग चुका है, देखिए अभी हमारे जागर शुरू होंगे, मतलब अभी पहले डिनर होगा उसके बाद जागर शुरू हो जाएंगे। और आज भी हम आपको जैसे हमारे पहले प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा वैसे ही हम दिखाएंगे, पर इस बार हमारे घर पे होगा। पिछली बार चाचा के घर पे हुआ था, वो हमारे मतलब पांच जो फैमिली थी उनको मिलके हुआ था, इस बार हमारी फैमिली का है तो हमारे घर पे ही हो रहा है वो। तो आपको एक झलक जरूर दिखाएंगे क्योंकि हम पूरी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि इसमें मना होता है, तो हम ना थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद देवता वगैरह आते हैं, तो जागर का मींस यही होता है, देवता और जो हमारे पितर होते हैं वो आते हैं, तो इस वजह से हम आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाते, हम आधी आधी करके दिखाते हैं ना। तो चलिए करते हैं कुछ काम, रोटियां वोटियां देखते हैं कितनी हमारी जरूरत होगी तो हम वहाँ पर रोटियां बनाते हैं। तो गाइज अभी हो चुका है डिनर टाइम और यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। हाँ जी, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको बाहर जाके। हेलो 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 तो गाइज ये हमारा डिनर, अभी हम खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चुकी है खाना खाके, किसकी शक्ल देख रहे हो इसकी, टू मच स्पाइसी यार। खाना हो चुका है, बाबू खा रहा है अभी तक, ये देखिए बाबू बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सारा हो चुका है, अब स्टार्ट होने वाला है जागर, तो अभी सब आने वाले हैं, तो यहाँ पूरा सेट कर दिया गया है। अभी हम जा रहे हैं जागर के लिए, हो गया स्टार्ट, तो सभी फैमिली मेंबर जा रहे हैं और यहाँ पर लॉकडाउन सोया हुआ है, तो हम चलते हैं, तब तक सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब बुलाएंगे हमें ये। हाँ जी, फोटो छक्का तो दिख नहीं रही। देखो 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 कौन
टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज चुके हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, हमारे जागर हो चुके हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस।